नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे कि जब हमारा राशन कार्ड खो जाता है तो हम इसको नया कैसे बनवाएं, या फिर हम अपना डुप्लीकेट जो है राशन कार्ड उसको कैसे बनवाएं। हम देखते हैं आजकल हमारे दैनिक जीवन में बहुत से कामों में राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि उचित मूल्य की दुकान से कोई सामग्री लेनी हो, या कोई एड्रेस प्रूफ देना हो, या और भी बहुत से काम होते हैं जहाँ पर हमें राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जब हमारा राशन कार्ड खो जाता है तो एक डुप्लीकेट राशन कार्ड हम कैसे बनवाएं, उसकी प्रक्रिया हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर गूगल को ओपन करना है। जैसे ही आप गूगल को ओपन करोगे उसमें आपको लिखना है फूड डिपार्टमेंट। फूड डिपार्टमेंट लिखने के बाद आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई देगा, राशन कार्ड एवं राशन वितरण का विवरण। उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, इसको स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा आवेदन दिखाई देगा। इसमें आपको राइट हैंड की तरफ देखना है, यहाँ पर जिला चुनिए लिखा हुआ है, उस पर अपना ज़िला चुनना है। आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद जैसे कि उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर अपना ज़िला चयन कर लेता हूँ, मैंने डूंगरपुर चयन किया यहाँ पर। इसके बाद मैं क्षेत्र का प्रकार मतलब ग्रामीण है या शहरी, तो मैं यहाँ पर ग्रामीण चयन करता हूँ। फिर मैं अपना ब्लॉक चुनूँगा, मैंने अपना ब्लॉक चुन लिया है। इसके बाद पंचायत, मेरी ग्राम पंचायत कौन सी है उसका चयन मैं करूँगा। यहाँ पर मैंने अपनी ग्राम पंचायत का चयन कर लिया और मेरी ग्राम पंचायत में मेरा गांव कौन सा है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। इस प्रकार से ये जो छोटा सा आवेदन है उसमें अपने संबंधित सूचना पूरी जो है उसको फिल करने के बाद मैं खोजे पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर देखता हूँ नीचे की तरफ मेरे सामने मेरे गाँव के जो भी राशन धारक हैं उन सब के नाम जो है वो यहाँ पर क्रम से दिए हुए हैं। तो इसमें आपको अपना नाम ढूंढ लेना है। मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर एक नंबर पर जो नाम है उसको बताता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर राशन कार्ड नाम का जो कॉलम है लास्ट की तरफ उसके नीचे उसमें आपके जो राशन कार्ड के नंबर दे रखे हैं उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने उस राशन कार्ड के संबंधित पूरी सूचना आ जाएगी। जैसे यहाँ पर राशन कार्ड नंबर, ये राशन कार्ड APL है या BPL, उसकी जानकारी भी उपलब्ध है। खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है या नहीं इसकी जानकारी है। यहाँ पर फोटो भी आ गया है, पूरा एड्रेस है, मोबाइल नंबर इस राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं इसकी जानकारी भी हमारे पास में आ गई है। इसके अलावा गैस का प्रकार कौन सा है, डबल है या सिंगल है, वो भी यहाँ पर दे रखा है। और आप देख रहे हो उस राशन कार्ड में जिन जिन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं उसकी डिटेल्स भी नीचे आ रही है। और नीचे की तरफ उस राशन कार्ड के द्वारा उचित मूल्य की दुकान से जो जो फ़ायदे लिए गए हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर डेट वाइज और टाइम वाइज दे रखी है। और उस राशन कार्ड के राशन उचित मूल्य की दुकान से जो जो फ़ायदे लिए हुए हैं उसका विवरण भी यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि इसने गेहूँ उठाए हैं तो यहाँ पर गेहूँ का विवरण दे रखा है, कितने किलोग्राम लिए हैं, क्या नाम है, कौन सी तारीख को लिए हैं, सारी जानकारी यहाँ पर एक क्लिक में आपको मिल रही है। तो नया डुप्लीकेट आवेदन बनवाने के लिए आपको डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको यह जो राशन कार्ड विवरण है उसको प्रिंट करना होगा। इसके बाद आपको एक डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने का आवेदन होता है उसको भर के सरपंच और सचिव के साइन करवाने होंगे। और इसके साथ यह जो प्रिंट है उसको लगाकर आपको ई मित्र पर जाकर उसको ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा। और इसके बाद कुछ ही दिनों में आपके पास जो है वो एक डुप्लीकेट राशन कार्ड की कॉपी बनकर आ जाएगी, जो कि वह ई मित्र धारक जो है वो आपको एक डायरी में प्रिंट करके दे देगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से जो है वो अपना राशन कार्ड बनवा सकते हो। तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में जो आवेदन करने के लिए आवेदन की आवश्यकता पड़ती है उसको मैं लिंक के द्वारा यहाँ पर अपलोड कर लूँगा, जहाँ से लाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे से जुड़े रहें। धन्यवाद।